जॉर्डन होल्डर थ्योरम। इसका स्टेटमेंट कहता है लेट जी बी ए फाइनाइट ग्रुप देन एनी टू कंपोजिशन आर इक्विवेलेंट। ठीक है, अब इसको हम प्रूव करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं वी विल बी प्रूव दिस थ्योरम बाय यूजिंग इंडक्शन ऑन ऑर्डर ऑफ जी। हम इसको इंडक्शन थ्योरम से प्रूव करते हैं ऑर्डर ऑफ जी। आपने ट्वेल्थ में पढ़ा होगा इंडक्शन थ्योरम। इफ़ ऑर्डर ऑफ जी बराबर एन, इफ़ एन बराबर क्या रखते हैं टू और जी बराबर ई आ जाएगा देन, तो जी सुपर सेट ई में होगा इस ओनली कंपोजिशन सीरीज ऑफ जी, जो इसका मान है इस ओनली कंपोजिशन ऑफ जी में है। सो थ्योरम इज हील्ड टू सपोज दैट थ्योरम इज ट्रू। तो क्या हो जाता है, टू मानने पर थ्योरम सत्य हो जाती है। फोर के लिए एन का मान ग्रेटर देन टू, एन का मान टू से कैसा होना चाहिए बड़ा, एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर लेस देन एन, एन का मान जब दो से बड़ा हो तो ऑर्डर का मान लेस देन एन से छोटा होता है। लेट जी इक्वल टू जी नॉट सुपर सेट जी वन जी टू डॉट 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 जी एन, इक्वेशन फर्स्ट। फिर जी बराबर एच नोट एच वन एच टू डॉट 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 एच एन, इसको भी जी एन, इसको मान लिया सेकंड नंबर, सेकंड इक्वेशन। बी टू कंपोजिशन आर सीरीज ऑफ जी, ये दोनों इक्वेशन किस में हैं, जी में। बी कंसाइडर टू केस, हमें कैसे केस मिलते हैं, दो केस मिलते हैं। एक फर्स्ट केस जी वन बराबर एच वन प्रूव करना होता है, जी वन नॉट इक्वल टू एच वन, केस फर्स्ट है। इफ़ जी वन इक्वल टू एच वन तो ऑर्डर ऑफ जी वन कैसा होगा, ग्रेटर देन ऑर्डर ऑफ जी, जी वन कैसे होगा, जी जी वन ऑर्डर ऑफ जी से छोटा होगा, तो बाई इंडक्शन हाइपोथेसिस ऑफ टू कंपोजिशन सीरीज, तो जी वन सुपर सेट जी टू डॉट 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 जी एन, तो जी वन जब जी वन जी टू जी से बड़ा है तो जी वन भी हाइपोथेसिस से बड़ा होगा, तो एच वन एच टू एच एन एस जी वन आर इक्विवेलेंट दिस सीरीज वन ए वन एंड सेकेंड आर वी इक्विवेलेंट होंगी। अब किस नंबर सेकेंड, इफ जी वन नॉट इक्वल टू एच वन, जी वन एच वन इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, जो जी वन और एच वन है इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी कंटेनिंग बोथ जी वन एंड एच वन, जो जी वन नॉर्मल जी वन और एच वन है वो नॉर्मल सब ग्रुप हैं किसके अंदर, जी के अंदर, जो दोनों और कंटेनिंग कर रहे कहाँ पर, जी वन और एच वन में। आल्सो जी वन एंड एच वन आर मैक्सिमम नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, और जो जी वन और एच वन भी मैक्सिमम नॉर्मल सब ग्रुप किसके अंदर हैं, जी के, तो वी हैव मस्ट बी जी वन एच वन को क्या मान लिया, कैपिटल जी, बिकॉज अदरवाइज जी वन एच वन इक्वल टू जी वन और एच वन, दोनों को जी वन एच वन को भी जी वन मान लिया और जी वन एच वन को भी एच वन मान लिया। मोरेवर जी अपॉन एच वन बराबर जी वन एच वन बराबर एच वन अपॉन जी वन इंटरसेशन एच वन बराबर एच वन अपॉन के टू, के टू लेट मान के टू बराबर जी वन अपॉन एच वन के इंटरसेशन, इसको इसके कॉमन मान लिया। अब आएगा जी वन अपॉन जी वन के इक्वल टू क्या रख दिया एच वन, अब जी वन एच वन की जगह यहाँ पर क्या कर दिया एच वन, ठीक है, तो यहाँ पर एच वन की जगह जी वन और यहाँ एच वन की जगह जी वन, समझ गए, ऊपर एक नीचे की वैल्यू एच वन करनी है बराबर एक ऊपर की, तो जी वन एच वन और यहाँ पर के टू आ गया, जी अपॉन जी वन बराबर जी अपॉन एच वन आर सिंपल द ग्रुप एच वन अपॉन के टू इस स्मॉल लेस देन इक्वल टू जी वन अपॉन के टू आर सिंपल, कंसाइडर ए कंपोजिशन सीरीज ऑफ के टू एच के टू सुपर सेट के थ्री डॉट 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 सुपर सेट के टी ई से, द सीरीज क्या होगी जी वन जी टू जे के टी में बिलोंग्स करेगी एच वन के टू जे के टी में थ्री और फोर, तो आर बहुत कंपोजिशन ऑफ सीरीज जी। नाउ फर्स्ट एंड थर्ड से, तो इक्वेशन फर्स्ट है जो फर्स्ट ये लिखा था हम लोगों ने फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड से वाई द इक्विवेलेंट केस फर्स्ट एंड सेकंड एंड फोर्थ आर स्माइलेरी आर इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट है। नाउ थर्ड एंड फोर्थ देमसेल्फ ही इक्विवेलेंट होंगे,
तो जी अपॉन जी वन, जी वन अपॉन के टू अपॉन के थ्री डॉट डॉट डॉट, के टी अपॉन के टी माइनस के वन, जी अपॉन एच वन अपॉन के टू अपॉन के थ्री, के टी माइनस के टी। एंड फर्स्ट टू कंपोजिशन क्वांटिटीज ग्रुप आर द आइसोमोरिक रिवर्स ऑर्डर, रिवर्स ऑर्डर में है। तो फोर कंपोजिशन सीरीज द सलेशन ऑफ बीइंग इक्विवेलेंट ऑफ सीरीज फर्स्ट एंड सेकेंड आर इक्विवेलेंट।